Okay, मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं बोलूँगा, इतना सम्मान मिलने के बाद थोड़े से इमोशंस जो है वो हैवी हो जाते हैं। तो पहले तो मैं धन्यवाद ही करता हूँ जी। आई विल बिगिन माई शेयरिंग बाई थैंकिंग एवरी वन। मैं धन्यवाद करता हूँ माई लाइफ मैनेजर का, धन्यवाद करता हूँ अपने अपलाइन का जो मुझे इस बिजनेस से लेके आए, दीपक सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी दिस बिजनेस, एंड इस पूरी टीम, इस पूरी लॉबी का आई लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच। जिन लोगों से आज पहली बार मुलाकात हो रही है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों मेरा नाम गौरव मेहरा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पला बड़ा मैं दिल्ली में ही। एजुकेशन मैंने अपनी दिल्ली और NCR से पूरी की थी। आई कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम गाजियाबाद एंड देन आई कम्प्लीटेड माई MBA फ्रॉम MIT बिजनेस स्कूल नोएडा। MBA करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई TVS मोटर कंपनी में और बतौर टेरिटरी मैनेजर मैं TVS के अंदर पोस्टेड था। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो गई और मुझे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और एक तिहाई पंजाब, इन तीन राज्यों का डीलर चैनल लुकाफ्टर करने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंप दिया गया। 6.5 लाख रुपए का मेरा एनुअल पैकेज था TVS में, जो मुझे नौकरी में मिला और एक अच्छी लाइफ। मैं 24.5 साल का था उस समय और अगर उस एज के लिहाज से देखूं तो वो जीवन बहुत अच्छा था। 48,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही थी, एक अच्छी पोस्ट मैनेजर की मिल गई और एक अच्छे ब्रांड के साथ आप कह सकते हैं कि करियर की बिक्री हो गई। इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आने का मौका मिला था आज से लगभग 10 साल और 4 महीना पहले। 29 जून 2007 को मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा और जिस दिन इस बिजनेस के अंदर आया था, ना तो इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी थी, ना ही बिजनेस को करने की कोई इच्छा थी, लेकिन फिर भी इस बिजनेस के अंदर आ गया सिर्फ एक वजह से कि जो व्यक्ति मुझे इस काम में लेके आए उनको मैं मना नहीं कर सकता था। TVS में मेरे बॉस थे मिस्टर दीपक बजाज, जिनको मैं रिपोर्ट किया करता था, वो नॉर्दर्न इंडिया को हेड करते थे TVS के लिए और उन्होंने मुझे जब इस बिजनेस के बारे में कहा तो मैं सच बताऊं मेरे पास ना करने का कोई चॉइस नहीं था। और मैं सच बोलूं तो मैं पैसे देने के बावजूद भी बहुत खुश था। उसका कारण ये था कि जब मैंने पैसे दिए तो दीपक सर ने बदले में मुझे एक सामान की लिस्ट दी और मुझे कहा तुम्हें इसमें से जो सामान अच्छा लगता है वो चुन लो। तो मेरी खुशी का कारण सिर्फ इसलिए था कि मुझे लगा शुक्र है भगवान का कि पैसे के बदले में कुछ मिल गया, क्योंकि मुझे पक्का पता था अगर मेरे से वो सिर्फ पैसे भी मांग लेते तो मना मैं फिर भी नहीं कर सकता था। तो एक हिंदी में कहावत होती है, बोलते हैं भागते भूत की है ना, कुछ तो हाथ लगा। ये सोच के मैं सेटिस्फाइड था और मुझे लगा कि चलो ये चैप्टर अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और बॉस के नजरों में एक नंबर और एक्स्ट्रा बन जाएगा। लेकिन मेरी गलतफहमी अगले ही पल दूर हुई जब मैंने पैसे दिए और उन्होंने कहा बेटा जैसे तुमने अपने दिए अब ऐसे 4 के और दिला दो चलो। अब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैंने कहा जो लोग पहली बार आए हैं, इवन कोई भी आदमी मेरी बात से सहमत होगा कि जिस काम पे हमें भरोसा नहीं होता उसमें अपने पैसे देना फिर भी एक बार को आसान है, अपनों के पैसे दिलवा देना बेहद मुश्किल। सही बात है, मतलब अगर आत्मा जिंदा है फिर तो मुश्किल ही है, मर के तो बोल नहीं सकता हूँ। अब मैं फंस क्यों गया, क्योंकि वो मेरे रिपोर्टिंग बॉस थे तो उनको मुंह पे मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मैं नहीं करूँगा। तो मैं एक बीच का रास्ता, आसान रास्ता जो मैक्सिमम लोग इख्तियार करते हैं, ताल देने का रास्ता इख्तियार किया। जब भी वो मेरे से बिजनेस की बात करते थे मैं कोई बहाना बना देता था या कोई रीजन दे देता था कि आज मैं इस वजह से आपको लोगों से नहीं मिल पा रहा क्योंकि बहुत बिजी। 1 हफ्ता 10 दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने भी पकड़ लिया, बोले कि चक्कर क्या है, ना तो तू कर रहा है ना तू मना कर रहा है, तो कुछ तो तेरे दिल में ऐसा है जो तू मुझे बता नहीं रहा। मैंने कहा सर मैं सच बताऊं तो मुझे इस काम पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैंने अभी तक जितनी एजुकेशन ली या जितने भी लोगों को अपने आसपास पैसे कमाते देखा, मैंने तो एक ही थ्योरी पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ कि अगर जीवन में आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, अगर आपको हजारों रुपए कमाने हैं तो पहले लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। आप बोल रहे हैं लगेंगे हजारों में उसका भी सामान मिलेगा और आएंगे लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप क्यों कर रहे हो। मेरा 6.5 लाख का पैकेज है, आपका 18 लाख रुपए का पैकेज है, आप पूरे नॉर्थ इंडिया को हेड करते हो और मेरी पूरी नजर आपकी कुर्सी पे है कि जब आप प्रमोट होंगे या किसी और कंपनी में जाएंगे तो मैं उधर आके बैठूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इसके अंदर क्या
क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत इनोसेंटली बोला, गौरव देख तेरे को सच में दिल की बात बोलूं तो तेरे को 29 तारीख को शुरू कराया है, मैंने खुद 28 को शुरू किया है। तो ज्यादा तो मुझे भी नहीं कुछ पता, लेकिन हाँ जिन लोगों ने मुझे इस बिजनेस में स्टार्ट करा है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से मुझे कह रहे हैं कि भाई तुमने कुछ लोगों को बिजनेस में ऐड किया था, उन लोगों से एक बार मिलवा तो लो, एक बार काम को देख तो लो, एक बार काम को सीख तो लो, तो अगर तुझे सही लगे तो हम मिल के उन लोगों के पास चलते हैं, काम को समझने की कोशिश करते हैं, अगर बात समझ में आ गई तो वापस आके कंटिन्यू करेंगे, और अगर लगा कि गलत पंगा ले लिया तो एक शॉपिंग समझ के इसको भूल जाएं। और मुझे वो डील इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये रोज का हाइड एंड सीक खेलने से बेहतर है, एक ही बार जाके काम में इतने कीड़े निकाल के आऊंगा कि इनकी भी छुड़वा के आऊंगा, वहां पे कंधे मिलवा के कंधे है ना। हो सकता है आपने से भी बहुत लोग किसी की छुड़वाने के चक्कर में ही आए हो यहाँ पे, तो और उस चक्कर में मैं वहां पे चला गया। लेकिन सच मानिएगा, वहां पे जाने के बाद कुछ चीजें मुझे ऐसी देखने को मिली, कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स मुझे ऐसे समझने को और देखने को मिले, और कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, जिन लोगों से मिलके, जिनकी बातों को सुन के, जिनके तथ्यों को देख के मुझे ये बात माननी ही पड़ी कि इंडस्ट्री छोटी नहीं है, काम छोटा नहीं है, इस काम के प्रति मेरी जो दृष्टि है या मेरा जो एक्चुअली इस काम के प्रति जो ओरिएंटेशन है या जो समझ है वो छोटी है। देखिए मैं आपको बड़ी हल्की सी बात बताता हूँ, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, इंसान के दिमाग की एक लिमिटेशन क्या है, जनरली जिस चीज़ के बारे में हमें मालूमात नहीं होती हमारा दिमाग हमें इंडिकेशन देता है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं ठीक बोल रहा हूँ? Yes. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लोग पहली बार आए हैं वो मेरे सवाल के जवाब को देने की कोशिश करें। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? कोई भी जवाब दे सकते हैं, हमने खरीदनी नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। ACC, JP, बिरला, लफार्ज। इस दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का नाम है लफार्जे। कुछ लोग उसको लफार्ज बोलते हैं, कुछ लोग लफार्जे बोलते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आगे नाम ही मेरे मुंह से पहली बार सुना। लेकिन एक बात सोच के देखिए, क्योंकि मुझे और आपको ये जानकारी नहीं है कि लफार्जे इस दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, तो हमारी जानकारी न होने की वजह से लफाजे छोटी तो नहीं हो जाते। हेलो उसी प्रकार बहुत से लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, इसकी एजुकेशन नहीं है, इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन उन लोगों की एजुकेशन और नॉलेज न होने की वजह से ये काम छोटा तो नहीं हो जाता। बात समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस इंडिया के अंदर 1998 में आया, तो अगर आप टाइम वाइज देखेंगे तो अभी 20 साल भी पूरे नहीं हुए ठीक से इस इंडस्ट्री को इंडिया में चलते हुए, और क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री को आए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ तो इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को ज्यादातर नॉलेज नहीं है। जिन लोगों ने किया भी तो हिट एंड ट्रायल मेथड से किया, और क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से किया तो कुछ लोगों को कभी तुक्के में रिजल्ट्स मिल गए, कुछ लोगों को तुक्के में रिजल्ट नहीं मिले। और क्योंकि ये मास का बिजनेस है, मास का बिजनेस क्यों है, बिकॉज इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना तो एजुकेशन चाहिए, ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना किसी तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए, तो हर आदमी इस बिजनेस के अंदर इजिली आ सकता है। क्या ये बात सही है? लेकिन आप सोचिए, अगर हर आदमी इस बिजनेस में आसानी से आ जाता है और अगर वो इस बिजनेस को ठीक से नहीं कर पाता तो क्योंकि कुछ लगा नहीं है स्टेक पे, तो उतनी आसानी से यहाँ से बाहर भी चले जाता। हेलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली मैंने एक सीनियर लीडर के मुंह से बहुत अच्छी बात सुनी। आप जस्ट सोचें कि आप एक मेले में गए और मेले में जाने के बाद एक व्यक्ति आपको मिला जो बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहा था, और बांसुरी सुनते हुए आपको 10-15 मिनट हो गए और आप मंत्रमुग्ध हो गए, आपको लगा वाह क्या बांसुरी बजा रहा, आपको लगा बहुत बढ़िया बांसुरी है यार, और आपने जाके वो बांसुरी खरीदी और घर पे जाके अपने वाइफ को दिखाई कि देखो ये बांसुरी है जिसमें से कितना बढ़िया म्यूजिक निकल रहा। उस वाइफ ने बोला जरा बजा के दिखाओ। अब आपने वो बजाने की कोशिश करी, अब उसमें से तो आवाज निकल रही है बहुत अजीब सी और फूंक निकल रही। हेलो अब आप बहुत पूरी रात ट्राई कर रहे हैं, आप उंगलियां चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली
नहीं निकल रही, नेक्स्ट डे आप वापस उस बांसुरी वाले के पास गए और आपने फेंक के बांसुरी मार के बोला मुझे तुझे गलत बांसुरी क्यों दी? क्या बांसुरी गलत थी? नहीं, उस बांसुरी को बजाने की एक कला है जिसको सीखे बिना क्योंकि बजाने की कोशिश की तो सक्सेस हाथ नहीं है। इस बिजनेस में भी यही होता है, लोग आ तो जाते हैं लेकिन जब बिना सीखे करने की कोशिश करते हैं तो असफलता हाथ लगती है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं नाच न जाने हिंदुस्तानी आदमी वैसे भी आसानी से अपनी गलती तो कभी मानता नहीं, तो बेस्ट क्या है अपनी गलती माने बिना काम ही गलत निकाल दो, काम ही खराब था, ये करने लायक ही नहीं है। और यही करते करते पिछले 20 सालों के अंदर इस बिजनेस के प्रति बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन क्योंकि फेलियर्स की मात्रा ज्यादा हो गई तो लोगों को लगता है ये काम ऐसे ही है वैसे ही है। और मैक्सिमम लोगों से आज भी जब मैं आज भी लोगों से जाके बात करता हूँ तो कई बार मेरे जो पुराने साथी हैं मेरे को 10 साल हो गए करते हुए आज भी मुझे ऐसे पूछते हैं फिर वो चेन वाला चल रहा था मम्मी का, हेलो आपके साथ हुआ है कभी ऐसा है ना? लोग बोलते हैं ना चेन वाला काम चला रहे, अरे वो अभी तक मेंबर बन रहे हैं क्या तुम्हारे, हेलो है ना? जब शुरू शुरू में मुझे लोग बोलते थे कि मेंबर बनाने का काम करते हो ना मुझे बड़ा इरिटेशन होती थी, मुझे लगता मेरे काम को गाली दे रहा है। लेकिन आज मेरे को सच बताऊं अगर कोई बोलता है ना कि मेंबर बना तो बोलता हाँ बिल्कुल हम मेंबर ही बनाते हैं, हाँ फैमिली मेंबर बनाते हैं, आके बन सकते हो। अगर आप कोई भी काम करेंगे और काम को करने के प्रति अगर आपकी नॉलेज और एजुकेशन नहीं है तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगी। जिन कामों को जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चेन वाले काम, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जब कोई आदमी हमें ये बोलता है तुम चेन बनाते हो तो बड़ी घृणा सी आती है ना, लेकिन आप जस्ट सोच के देखो अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपको बोलूं मेरे चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स हैं, मेरे चेन ऑफ होटल्स हैं, मेरे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, तो शायद आपको मेरे लिए रिस्पेक्ट आएगी। अब मैं बोलूं मेरी 1,00,000 लोगों की चेन है तुम चेन बनाते हो, व्हाट इज द डिफरेंस? आप एक बार सोच के देखें, एक आदमी जो बाहर बर्गर बना के रेडी पे बर्गर बेच रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि आपका बच्चा 12th पास करके ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके करियर बनाए बर्गर बेचने, कोई है? Nobody will want his kid कि वो जाके बर्गर बेचने का काम शुरू करे। लेकिन सोच के देखिए एक आदमी जो बाहर रेडी पे बर्गर बेच रहा है वो बर्गर बेच रहा है, लेकिन फिर मैकडॉनल्ड्स वाला क्या कर रहा है? हेलो, बेच तो वो भी बर्गर ही रहा है, हलवाई हलवाई होता है, हल्दीराम हल्दीराम होता है, कबाड़ी कबाड़ी होता है, ओएलएक्स ओएलएक्स होता है, बाल काटने वाला नाई होता है, जावेद हबीब होता है। मेरे प्रोफेसर कहा करते थे छोटा लोहार लोहार और बड़ा लोहार टाटा, छोटा लोहार लोहार और बड़ा लोहार टाटा और छोटा मोची मोची और बड़ा मोची बाटा। सच मायने में अगर आप देखेंगे जो सिंगल हैंडेडली बर्गर बेच रहा था वो आज भी 3 जनरेशन से बर्गर बेच रहा है, जो चेन बना के बर्गर बेच रहा है वो मैकडॉनल्ड्स बन गया। टेलर टेलर होता है जो टेलर की चेन बना ले वो फैशन डिजाइनर होता है, मिस्त्री मिस्त्री होता है जो मिस्त्री की चेन बना ले वो आर्किटेक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है ना। हेलो, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबॉडी इज ऑफ द चेन, इट इज नॉट अ बैड वर्ड, चेन नेटवर्क टीम खराब शब्द नहीं है। अगर चेन खराब शब्द होता तो हर महिला सोने की चेन के पीछे नहीं मर जा रहा उसका दुरुपयोग हुआ या उस चेन का वही हाल हुआ कि बांसुरी ले गए और बनानी और चलानी आती नहीं थी तो चेन को ही खराब बोलना शुरू कर दिया। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं सर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने का कुछ तो भी तरीका बताइए, कुछ सीक्रेट बताइए जिससे हम लोग सक्सेसफुल हो जाए। आज मैं इस मंच पे खड़े होकर आपको 3 कारण बताता हूं जिस वजह से लोग फेल हो जाते हैं, सुनना चाहते हैं? Yes. क्योंकि सक्सेसफुल होने के तो बहुत कारण है, बहुत लोग बताएंगे, आपके सीनियर भी बताएंगे, मैं आपको एक यूनिक चीज बताता हूँ, मैं आपको 3 वजह बताता हूँ लोग फेल क्यों होते हैं, सुनना चाहते हैं? Yes. नंबर 1,
पहला कारण फेल होने का है जब लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो वो एक धारणा लेके आते हैं कि ये एक जल्दी अमीर बनने की स्कीम है. दिस इज अ बिकमिंग रिच क्विक स्कीम. ये जब धारणा आप इस बिजनेस में लेके आते हैं तो आपका फेल होना निश्चित है. यकीन मानिए ये अमीर बनने का श्योर शॉट बिजनेस है, जल्दी अमीर बनने का बिजनेस नहीं है. जो आदमी रातों रात अमीर बनने के सपने लेके आता है, रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा के किसी को लेके आता है, ये बिजनेस है, स्कीम नहीं है. दिस इज नॉट अ दिवाली धमाका. हेलो, स्कीम होती है किसी कारण, किसी रात आती है, दिन होते होते स्कीम चली भी जाती है. अगर आप इस बिजनेस में जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेंगे. ये बिजनेस प्रॉपर बिजनेस है, जैसे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू होता है जिसमें बोलते हैं पहले साल अगर आप काम करेंगे, पूरी मेहनत करने के बाद भी कई बार लॉस झेलना पड़ता है, दूसरे साल आप पूरे मेहनत करते हैं तो जाके ब्रेक इवन पे आते हैं, और तीसरे साल में जाके वो बिजनेस आपको फ्रूट्स देता है. हेलो, ये बिजनेस भी 3 से 5 साल लेगा. जब आप इस बिजनेस के अंदर 3 से 5 साल के विजन से आएंगे तो ही इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं. क्योंकि अगर आप रातों रात एक बिजनेस के अंदर, जैसे बोलते ना, एक रात में जो नेटवर्क आप खड़ा कर लोगे वो दूसरी रात में गिर भी तो सकता है. हेलो, जो चीज जल्दी बिल्ड होगी वो जल्दी टूट भी तो सकती है. इस बिजनेस को अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे और इस ओरिएंटेशन के साथ करेंगे, इट विल टेक टाइम. और पहला साल तो सबसे क्रूशियल है किसी के लिए. एक बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम. हेलो, बच्चा पैदा हो या बिजनेस की शुरुआत हो, करियर में नौकरी की शुरुआत हो, सबसे पहला साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हाँ या नहीं? ऐसा ही ये बिजनेस है. अब सोचिए आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू किए, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद वो बिजनेस चल नहीं रहा, आपने जूते की दुकान खोली, वो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर रहा, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रन नहीं कर रहा, आप घर गए, आपने डिनर टेबल पे मायूस होकर अपने वाइफ और पापा से बोला वैसे मुझे लगता है गलत पंगा ले लिया, ठीक बिजनेस शुरू नहीं किया, वो आपको क्या सलाह देंगे? कहना दिमाग खराब है, 4 महीने हुए हैं यार अभी तो, बिजनेस है, कोई मजाक छोड़ना है, वो टाइम लेगा बिल्ड होने के लिए. प्लीज हैव पेशेंस. यस और नो? बस फर्क इतना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये वाली बात पापा की जगह अपलाइन बोलता है. That's the only difference है. अगर आप अपने मेंटर को अपना पेरेंट समझ सकते हैं कि ये मेरा बुरा नहीं कराएगा, तो जो वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है. इस बिजनेस में समय लगेगा, और क्यों ना लगे, क्योंकि हर अच्छी चीज को बिल्ड करने में समय लगता है. आप झोपड़ी बनाएंगे तो जल्दी बनेगी, महल बनाने तो टाइम तो लगेगा भैया. पहला कारण, इस बिजनेस को जल्दी अमीर बनने के लिए मत करिए, अमीर बनने के लिए करिए. दूसरा कारण इस बिजनेस में फेल होने का श्योर शॉट कारण, लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं और आते ही पहले दिन से फोकस होता है अर्निंग, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, विच इज द वर्स्ट एवर थिंकिंग. अब मुझे एक बात बताइए, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप प्रोफेशनल बन गए, आपकी नौकरी शुरू होगी, आपकी दुकानदारी शुरू होगी, क्या बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर बन जाता है क्या? हेलो, बिफोर अर्निंग मनी व्हाट यू डू? लर्न. यू लर्न. हेलो, आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर में पहले दिन का पहला रुपया कमाने से पहले 5 साल आप पढ़ाई करते हैं उसकी. आप इंजीनियर बन के नौकरी करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो 4 साल की गाड़ी मेहनत लगी है. अगर आप सीए बन के आगे पैसे कमाना चाहते हैं तो सीए से पहले थ्योरी प्लस इंटर्नशिप के 5 साल आपने लर्निंग की है. इस बिजनेस के अंदर अगर आप लर्निंग से पहले अर्निंग करने की कोशिश करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा. और हमारे काम में कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा पहला एजुकेशन बैकग्राउंड और प्रोफाइल मेरी सबसे बड़ी बैरियर बन जाती है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए. जैसे मैं था MBA, मुझे लगता था मेरे को बहुत आता है, MBA का फुल बता, MBA मुझे बहुत आता है,
और मैं इंजीनियरिंग प्लस एमबीए वाला था, तो मुझे लगता था मुझे तो सब कुछ ही आता है, बहुत कुछ क्या होता है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मुझसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया, बोले गौरव एक बात बताइए, एक आदमी डॉक्टर हो, एक आदमी इंजीनियर हो, एक आदमी सीए हो, ये तीनों पढ़े लिखे हैं, आप बताइए पढ़े लिखे हैं क्या? बताइए तीनों पढ़े लिखे भैया, और जो सीए कर रहा है उसको पता है सीए करने में कितनी जोर लगता है, जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है उसको पता है आईआईटी से कितना लगता है, और जिस आदमी ने एक्चुअली में आकाश वगैरह से पढ़ के डॉक्टर बना उसको पता है कि आकाश का एंट्रेंस टेस्ट ही कितना मुश्किल है, डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है भैया, हेलो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डॉक्टर को बोला जाए कि भैया बाहर ना थोड़ा पुल टूट गया दोबारा बना दो, तो सिविल इंजीनियर को बोला जाए भैया एक बात सुनो जरा, ये जो है ना थोड़ा डेबिट क्रेडिट करके बैलेंस शीट मिला दो, और सीए को बोला जाए ये ना बंदा खोल तो दिया हमने बांधना नहीं आ पा रहे थोड़ा मदद कर दो, तुम ब्यूटी कैन दे हेल्प? क्या ये लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं? नो, दे आर एजुकेटेड, दे आर वेल ऑफ, लेकिन ये लोग एजुकेटेड है अपनी फील्ड के, जैसे ही फील्ड बदलती है आपको दूसरी फील्ड की एजुकेशन जीरो से लेनी ही पड़ेगी। इट इज समथिंग एज ए आई कैन बी अ ग्रेट डॉक्टर, बट इट डज नॉट मीन बिकॉज आई एम अ ग्रेट डॉक्टर आई एम अ वेरी गुड स्विमर एज वेल। आप ऐसा बोल सकते हो क्या? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ऑपरेशन करना आता है इसलिए मुझे तैरना भी बाय डिफॉल्ट अच्छा आता ही होगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन कर लेता हूं ना बॉस गोल, मैं रोटी को ऐसे गोल बना डालू। रोटी बनाना अलग स्किल है, ऑपरेशन करना अलग स्किल है। अगर ऑपरेशन करना आता है तो ये जरूरी नहीं है कि रोटी आप गोल पहली बार में बना, इसमें ईगो मत फंसाइए, रोटी गोल बनाना किसी से सीख लीजिए जिसको गोल बनानी आती है, और हो सकता है उसको ऑपरेशन करना ना आता तो क्या हो गया फिर? हेलो, अगर आप इस बिजनेस में लर्निंग पे फोकस करेंगे अर्निंग पे नहीं, तो यकीन मानिए अर्निंग तो जग मार के पीछे आएगी ही, उसको आना ही पड़ेगा। Because if you want things to be better for you, you have to become better. अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके लिए चीजें सुंदर हो, अच्छी हो, तो पहले तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा। जब आप बेहतर बनोगे तो चीजें आपके जीवन में बेहतर होंगी। एंड थर्ड एंड द लास्ट, जो सबसे बड़ा लोगों का फेलियर होने का कारण है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। बहुत आसान काम है यार, कुछ काम ही नहीं है ये, तो इट इज वेरी इजी। आज मैं आपको रियलिटी बताता हूं, ये बिजनेस टफ है, ये बिजनेस लहू मांगता है, ये बिजनेस मेहनत मांगता है, ये बिजनेस सीरियसनेस मांगता है, ये बिजनेस चैलेंजिंग है, खुलेआम बोल रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिजनेस चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वर्थ इट है, ये मैं आपको वादा करता हूं। क्योंकि जब ये बिजनेस आपसे मेहनत कराता है, मेहनत कराने के बाद जब ये आपको रिजल्ट देता है, तो उस रिजल्ट के सामने जब आप मेहनत को एनालाइज करते हो, तो आपको लगता है उस रिजल्ट के सामने वो मेहनत कुछ भी नहीं थी जो मैंने की। और आसान क्या है? आईएएस में एडमिशन लेना आसान है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, सीए बनना आसान है। बताइए आज की तारीख में तो एक बहुत सक्सेसफुल पान का खोखा करने वाला भी मुश्किल है। हेलो, व्हाट इज इजी? अगर आईएएस में लाखों बच्चा बैठता है और उसमें सौ सीटें हैं, फिर भी लाखों क्यों बैठते रहते हैं? उनको तो पता ही नहीं है मुश्किल है, क्यों क्यों बैठता है? पेरेंट्स भी लग जाते हैं, पेरेंट्स भी उस टाइम पे बनवास जैसे होते हैं, भाई कोई शादी में नहीं था ना बच्चा पढ़ाई करा इंजीनियरिंग की, हमें कोई फैमिली को बुलाना भी नहीं किसी को, बिल्कुल वनवास है बेटा, तेरे साथ साथ मम्मी का भी वनवास है, हम भी 4 साल के नहीं जाएंगे, तू बस पढ़ बैठ के। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि दिमाग में फिट है, एक बार अगर एडमिशन हो गया ना, फिर ये जितना भी 4 साल मेहनत की है पूरी जिंदगी बैठ के इसको आसानी हो सकती है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, 4 साल मेहनत कर लो, एक बार चल गया ना भाई साहब, इस जीवन छोड़ो आने वाली 100 पिछते काल देगा। मैंने अपना हार्डवर्क देखा है, अपना लहू दिया है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग कर ली हो, जितनी भी मेहनत कर ली हो, कुछ भी कर लिया हो, दिन में 12 घंटे से ज्यादा तो नहीं काम कर लिया हुआ यार। हेलो, लेकिन मैं सच बताऊं, वो सारी मेहनत एक तरफ, सारी की सारी,
लेकिन जिस दिन अपने 3 दिन के बच्चे को BMW में घर ले आया था ना मैं, उस सारी मेहनत ऐसे ऐसे धुआं हो गई। ऐसे इस बिजनेस के अंदर परफेक्शन मत ढूंढिए। दिस बिजनेस इज नॉट परफेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट परफेक्ट, इट इज बेटर देन अदर ऑप्शंस। ये बिजनेस बेहतर है बाकी से, परफेक्ट नहीं है ये बिजनेस, आसान नहीं है ये बिजनेस, चैलेंजिंग है, टेक दैट चैलेंज। लेकिन ये पक्का है चैलेंजिंग होने के साथ साथ ये वर्थ वाइल है, ये जब आपको रिजल्ट्स देगा तो माइंड बॉगलिंग रिजल्ट्स बिजनेस आपको दे सकता है। आप इस बिजनेस के अंदर आए, माई लाइफ का हिस्सा बने, नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करें, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में आपको सारे लोग एक ही भावना वाले मिलेंगे, क्योंकि ये इकलौता बिजनेस है जिसमें आप किसी का फायदा करा के ही अपना फायदा कर सकते हैं, चाहे शारीरिक रूप से बीमारियां मिटा के, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति सुधार के। लेकिन ये पक्का है अगर मुझे BMW पे पहुंचना है तो किसी को तो सनी पे पहुंचा के ही पहुंच सकता हूं। अगर मुझे 2 लाख की बिजनेस कमानी है तो किसी को तो 1 लाख रुपये कमवा के ही यहाँ पे पहुंच सकता हूं। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना रखते हैं, अगर आप जीवन में देने की भावना रखते हैं, अगर आप सद्भावना रखते हैं, अगर आपको लगता है दूसरे का बुरा करके नहीं, अगर दूसरे का भला करके अपना भला हो सकता है, तो आप आइए। आप सब लोगों का इस सुंदर व्यापार में स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। थैंक यू।